कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि यह नया कश्मीर है, यह नए भारत का कश्मीर है, अनुच्छेद 370 टूटने के बाद का कश्मीर है। जी हां, आज श्रीनगर के बेहद फेमस लाल चौक पर जिस तरह से तिरंगा रैली ऑर्गेनाइज की गई, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से इसका आयोजन किया गया और इस रैली में बढ़ चढ़कर कश्मीर के युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और ना ही सिर्फ युवाओं ने, कश्मीर की महिलाएं बच्चे उस रैली का, उस ऐतिहासिक रैली का हिस्सा बने जो आज तक हमने कभी कश्मीर में ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। उन तस्वीरों में यह साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह से अब वहां का युवा जो सेपरेटिस्ट की तरफ से बरगलाया जाता था, बहलाया फुसलाया जाता था, अब वो देशभक्ति के ट्रैक पर आगे आ चुका है। उस लाल चौक में जहां पर आज से अगर ज्यादा नहीं, आज से 10-15 साल पीछे भी अगर जाकर के देखें तो वहां पथराव की घटना हर दिन होना आम बात थी। सेपरेटिस्ट की तरफ से जो प्रोटेस्ट बुलाए जाते थे जिसमें आजादी के नारे लगाए जाते थे, एक आम बात थी। लेकिन अनुच्छेद 370 टूटने के बाद ना तो वहां पथराव होता दिखाई देता, और अब आज इस रैली ने यह दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर का युवा अब आगे बढ़ना चाहता है, देशभक्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है और सेपरेटिस्ट के बहकावे में ना आते हुए इस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है। दरअसल अभी देश में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, पूरा देश इसको मना रहा है और इसी के तहत हर घर तिरंगा की मुहिम भी चलाई जा रही है। और जो आज का कार्यक्रम रखा गया लाल चौक पर, जहां कभी हमें ऐसे फ्लैग्स देखने को मिलते थे जो दूसरे देश के थे, लेकिन अब वहां पर हमें अपना तिरंगा देखने को मिल रहा है। दरअसल ये कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर्स मौजूद थे, तरुण चुग, तेजस्वी सूर्या, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित चहल, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के। अभी इस समय अमृत महोत्सव के समय ही 26 जुलाई भी आ रही है और हम सब जानते हैं कि 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस तरह से साल 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल के द्रास सेक्टर में जो लड़ाई हुई थी, जो 3 महीने का संघर्ष था, वो लड़ाई खत्म हुई थी, उस पाकिस्तान के सीने पर हमने ये दावा बोला था कि आपकी सेना आतंकवादियों के नाम पर जितना कोहराम मचाना मचा ले, लेकिन आखिरकार जीत भारत की हुई और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बावजूद भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को और जितने भी पोस्टों पर पाकिस्तानियों ने अवैध तरीके से कब्जा किया था उस पर विजय परचम लहराया था। लेकिन उस विजय परचम लहराने में हमारे कई जवान शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि जब यह श्रद्धांजलि श्रीनगर के उस क्लॉक टावर लाल चौक से शुरू होकर 700 बाइकर इसमें शामिल हो रहे हैं, वो 700 बाइकर उस रैली को श्रीनगर से निकल करके कारगिल के उस वॉर मेमोरियल में जाकर वो रैली 26 जुलाई को खत्म होगी। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये स्ट्रांग मैसेज दिया जा रहा है कि जिस जम्मू कश्मीर का नाम लेकर के पाकिस्तान हमेशा से यूएन में राजनीति करता रहा है, वहां के युवा, वहां के जो लोकल लोग हैं, वो अब तिरंगे को ही अपने साथ लेकर के चलते हैं और जिस तरह से झूठ बोल करके पाकिस्तान अपनी राजनीति करना चाहता है, उस राजनीति को बंद कर दे। और इसका प्रमाण हमने कल एक रैली में भी देखा जब राजनाथ सिंह जम्मू के गुलशन ग्राउंड में मौजूद थे, वो भी कारगिल विजय दिवस को लेकर के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वो एक रैली का आयोजन किया गया था, उसमें भी राजनाथ सिंह की तरफ से ये कड़ी चेतावनी दी गई और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया
कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, जिसको हम POJK के नाम से जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो भारत का अभिन्न हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। और इस ओर भी इशारा किया कि जब बाबा बर्फानी अमरनाथ हमारे यहां पे हैं, कश्मीर में हैं, तो मां शारदा का पीठ POJK में कैसे हो सकता है, LOC के उस पार कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश है पाकिस्तान के लिए कि जो प्रस्ताव भी पारित हुआ है इस POJK को दोबारा से वापस मिलाने का, पिछली सरकारों से जो गलती हुई है, जो पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया है उस POJK पे, इतने सालों से कब्जा करके रखा है, कहीं ना कहीं अब उसको वापस लेने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और वहीं इसी बीच बात की जाए कश्मीर के उन नेताओं की जिन्होंने हमेशा से वहां के युवकों को भटकाने का प्रयास किया है, उन्होंने इस मुहिम को दोबारा से, उसमें जो है अपने मुंह से अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। अगर बात की जाए महबूबा मुफ्ती की, किस तरह के बयान आकर के वो पब्लिक में दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत लोगों को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं, लोगों को तो डाउट हो रहा है जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर के, एक संवैधानिक पद पर रह चुकी हैं, और उसके बाद आकर के ऐसे बातें कर रही हैं कि लोगों को तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वहीं आज इस रैली के माध्यम से कश्मीर के लोगों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये तिरंगा नहीं खरीदने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, बल्कि ये तिरंगा हमारे दिलों में है, हमारे जिस्मों जान में बसा हुआ है। और इनकी जो राजनीतिक दुकानें हैं, चाहे फिर वो अब्दुल्ला फैमिली की हो या फिर मुफ्ती फैमिली की हो, महबूबा फैमिली की हो, उसके बहकावे में अब वहां के लोग नहीं आने वाले, क्योंकि कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी इसी तरह के भड़काऊ बयान दिए थे। जब उनसे हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था इसे अपने घर पर रखो। तो कहीं ना कहीं इन कश्मीरी नेताओं की फ्रस्ट्रेशन जो है वो साफ यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये नए भारत का जम्मू कश्मीर है, अनुच्छेद 370 टूटने के बाद का जम्मू कश्मीर है, ये इन कश्मीरी नेताओं के, इन सेपरेटिस्ट के बहकावे में अब नहीं आने वाला है। जिस तरह से सच्चाई अब खुलकर के देश के सामने आ रही है, जैसे NIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कड़ा किया है, तेज किया है, उसके बाद चाहे यासिन मलिक हो, इस तरह के जो सेपरेटिस्ट नेता हैं, खुलकर के सामने आ रहा है कि उन्होंने किस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस सरकारों के समय में, उन पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। और आज खुद ये लोग कबूल कर रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में, टेररिस्ट फंडिंग में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को बलिभांति तरीके से जान चुके हैं कि हमें अगर विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट हमें जम्मू कश्मीर में देखनी है, तो इन सब नेताओं से दूरी बनानी होगी। और वहां पर रोजगार कैसे और पैदा हो, वहां पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, इसके लिए काम करना होगा, इसके लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। तेजी से जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, जिस तरह लद्दाख अभी आगे बढ़ रहा है यूनियन टेरिटरी बनने के बाद। अगर आप आज की ये तस्वीरें देखिए और याद कीजिए आज से 10-12 साल पहले की वो तस्वीरें, जब वहां पर पथराव होता था हमारी इंडियन आर्मी के साथ, किस तरह से उनकी हेलमेट पे मारा जाता था, किस तरह उन पे डंडे मारने की कोशिश की जाती थी, और आज उन्हीं डंडों में तिरंगा है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है 370 हटने के बाद आया है, जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए गए, ऐसे कार्यक्रम किए गए जिसमें युवाओं को बुला करके समझाया गया कि 370 हटने के क्या क्या फायदे हैं, कैसे ये युवा आगे बढ़ सकता है 370 रहते हुए, किस तरह के हर्डल्स थे जम्मू कश्मीर के लिए, किस तरह से वहां विकास रुका हुआ था। जगह जगह जाकर जन जागरण अभियान किया गया और अब उसके बाद कहीं ना कहीं युवाओं ने जम्मू कश्मीर में अब वो तिरंगा उठाया है। और इतना ही नहीं, आज की अगर इस रैली को देखें तो जहां पर 10 साल पहले, 12 साल पहले आजादी के नारे लगते थे, आज वहां पर आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, अखंड भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और अगर इतिहास में जाया जाए तो पहली बार ऐसा रहा है जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए, आज ये बहुत बड़ा दिन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि
श्रीनगर के इस हिस्टोरिक जिसको सिटी सेंटर भी माना जाता है, लाल चौक घंटाघर जहां पर है, वहां पर इस तरीके का कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया और देश के वीरों को जिन्होंने शहादत दे दी इस देश की अखंडता के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम वहां दिया गया। उनके उस शहादत को याद किया गया। इतना ही नहीं, जब यह कार्यक्रम चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर वहां मौजूद थे, उन्होंने वहां की अब्दुल्ला और महबूबा फैमिली पर जोरदार तंज कसा। जैसे तरुण चुग ने इस रैली के दौरान कहा कि कुछ ही दूरी पर महबूबा मुफ्ती का घर है, जो कुछ साल पहले बोलती थी कि अगर 370 को हाथ लगाया, किसी ने छेड़ने का प्रयास किया, तो यहां पर कोई तिरंगा भी उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो आज आकर के देखिए लाल चौक के इस इतिहास को, देखिए इस महान कार्यक्रम को, देखिए किस तरह से हर युवा के हाथ में, हर महिला के हाथ में, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा है, और अगर कुछ नहीं है तो वो अब अनुच्छेद 370 नहीं है, वो 35A नहीं है, जिसके तहत वहां पर विकास इतने सालों से रुकता रहा और वहां के लोगों को झूठ बोल करके अनुच्छेद 370 को कभी तोड़ने नहीं दिया गया, और हमेशा से इस तरह की कोशिशें लगी रही, चाहे वो एनसी हो चाहे वो पीडीपी हो, कि इसको किसी ने अगर हाथ लगाने की हिम्मत की, अनुच्छेद 370 के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो कश्मीर के युवा आपको किसी और रंग में दिखेंगे। जी हां, बिल्कुल किसी और रंग में दिखे, और वो जिस रंग में दिखे उस रंग का नाम है तिरंगा। वो तिरंगा आज उनके हाथ में दिखा। कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाली है और पूरे देश भर में हर घर तिरंगा मुहिम जो है चल रही है, क्योंकि इस समय देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश के 75 साल स्वतंत्रता के पूरे हो रहे हैं और उसको पूरे देश में बहुत अच्छे से हर घर में लोग उसको उत्सव की तरह मना रहे हैं, और मनाएं भी क्यों ना। लेकिन यहां पर कुछ विपक्षी ऐसे नेता हैं जिनको ये चीज रास नहीं आ रही, तो उनसे भी देशभक्त लोगों की यही उम्मीद है, यही उनका कहना है, जिस तरह की सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि अब आप भी तिरंगे को थामिए और तिरंगे के लिए अब शब्द बोलना बंद कीजिए। कब तक अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप तिरंगे का सहारा लेते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आज की इस रैली के बाद, लाल चौक की उस रैली के बाद, ये एक कड़ा संदेश दिया गया है जम्मू कश्मीर के उन युवाओं की तरफ से, जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, खास करके कश्मीर प्रोविंस के लोगों की तरफ से, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस तिरंगे को दिखा दिया कि हम तिरंगा जो है वो सिर्फ हमारे हाथों में नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी है, हमारे जिस्मो जान में भी है। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, अगर बात की जाए तो कल जम्मू के गुलशन ग्राउंड में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें भी हजारों संख्या में लोग वहां पर मौजूद हुए। अलग अलग जिलों से लोगों ने आकर के उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और विपक्ष की तरफ से जो झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोग वहां पर नाराज हैं, और उसका प्रमाण आपको अगर देखना है तो आज सोशल मीडिया उठा करके देख लिए किस तरह जम्मू में और कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। जो आज श्रीनगर के लाल चौक में ऐतिहासिक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है, अब जाकर के वो कारगिल के वॉर मेमोरियल पे जाकर के संपन्न होगी, और कारगिल वॉर में जो शहीद हुए थे हमारे देश के सुरक्षा कर्मी, उनको श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम है। इसमें आपकी जो भी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।